बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास, 7466 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ टाइप थे, फार्मूलाज थे फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस के, और फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है, कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड हमारे पास स्टेबल कब होता है। अ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज स्टेबल इफ़ द एरर मेड एट वन टाइम स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। फाइनाइट डिफरेंस स्कीम हमारे पास स्टेबल कब होती है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके एक स्टेप पे जो एरर आया है वो जो नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूड है ना, कंप्यूटेशन जो हमारे पास कंटिन्यूड है उसमें एरर की वजह नहीं बन रहा। ठीक है, यानी कि हमारे पास फ़र्ज करें ये हम लोग एक कैलकुलेशन करें, ठीक है, ये कंटिन्यूड है, यहाँ पे आके कहीं पे एरर आ गया है, ये वाला जो एरर है ना वो नेक्स्ट कंटिन्यूड जो हमारे पास कंप्यूटेशंस हैं उनमें एरर की वजह नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है। अ न्यूट्रली स्टेबल स्कीम इज़ वन इन विच एरर रिमेन कॉन्स्टेंट। न्यूट्रली स्टेबल स्कीम हमारे पास कौन सी होती है, कि जिसमें एरर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सपोज करें ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू आई जे के का। ठीक है, तो एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एरर हमारे पास डिफाइन करते हैं ई से। ठीक है, ई आई जे के इज इक्वल टू यू आई जे के माइनस कैपिटल यू आई जे के होल का मोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरर की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज स्टेबल इफ़ एरर डू नॉट ग्रो अनबाउंडेडली विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन ईच लेवल। यानी कि हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस स्कीम स्टेबल कब होती है, जब हमारे पास वो एरर जो होता है वो ग्रो नहीं करता, यानी कि बढ़ता नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले भी मैंने बताया था कि हमारे पास एक कैलकुलेशन जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया है, तो ये जो एरर है ना वो नेक्स्ट ग्रो नहीं करेगा, यानी कि नेक्स्ट किसी लेवल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला, यानी कि हमारे पास इसका फार्मूला भी कह सकते हैं या फिर इसकी कंडीशन भी कह सकते हैं, कि हमारे पास एक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम स्टेबल कब होगी, जब हमारे पास ये चीज़ इसमें क्या होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, यानी कि e की पावर k प्लस वन का मोड लेस देन इक्वल टू होगा e की पावर k के मोड से। ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए दो कॉमन टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, एक है मैट्रिक स्टेबिलिटी एनालिसिस और एक है फोरियर स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसको हम लोगों ने डिनोट किया है ए यू की पावर के प्लस वन एंड बी यू की पावर के से, ठीक है, इज इक्वल टू बी यू की पावर के। तो ये जो है हमारे पास यू की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू यू वन के प्लस वन यू टू के प्लस वन अप टू सो ओन यू एन माइनस वन के प्लस वन एंड यू की पावर के इज इक्वल टू यू वन के यू टू के, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं, वेक्टर वैल्यूज़ ऑफ के प्लस वन एंड के, के की और के प्लस वन की, ये वाली हमारे पास क्या है, वेक्टर वैल्यूज़ हैं। देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है उसमें हमारे पास वेक्टर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, के की और के प्लस वन की, तो ए और बी हैं हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो हमारे पास, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं। ठीक है, और ये उनके क्या हैं, वेक्टर वैल्यूज़ हैं। तो एरर जो है वो हमारे पास वेक्टर का, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इफ़ ए इज़ द एरर वेक्टर, यानी कि ई हमारे पास एरर वेक्टर है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यू की जगह पे ई पुट कर दिया है। ई पुट करने के बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, कि ये ए जो था ए इस साइड पे जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू उस साइड पे जाके क्या हुआ, इन्वर्स हो गया है, ए इन्वर्स बी का मोड, ए इन्वर्स बी का मोड इज इनटू ए ई की पावर के का मोड। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंस स्कीम ऑफ अबव इक्वेशन इज स्टेबल, यानी कि ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है वो स्टेबल कब होगी, जब हमारे पास इसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, वन के आ जाए, यानी कि ए
इनवर्स बी का मोड हमारे पास अगर लेस देन इक्वल टू वन के आ जाए तो ये हमारे पास स्कीम क्या होती है, स्टेबल स्कीम होती है, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की स्टेबल फॉर्म में होती है। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, फॉर फाइनाइट डिफरेंट स्कीम टू बी स्टेबल। किसी भी फाइनाइट डिफरेंस स्कीम के लिए स्टेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, वन के आ जाए, ठीक है। एक तो ये स्कीम है, दूसरी है फोरियर सीरीज, फोरियर या फिर वन न्यूमन स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास राउंड ऑफ एरर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है, राउंड ऑफ एरर हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड रियल कंप्यूटर विद फाइनाइट एक्यूरेसी। ये जो हमारे पास है राउंड ऑफ एरर, वो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और कंप्यूटर विद फाइनाइट एक्यूरेसी, इसके दरमियान में जो डिफरेंस है उसके बराबर है, ठीक है। ये राउंड ऑफ एरर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और कंप्यूटर का जो हमारे पास, यानी कि जो हम लोगों ने वैल्यूज कंप्यूट की हैं उनकी फाइनाइट एक्यूरेसी के दरमियान में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है कि एप्सिलॉन आई जे के इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू यू आई जे के एक्स वाई माइनस यू आई जे, यानी कि ये कैपिटल यू आई जे इसमें से माइनस हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है और ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है और ये किसके बराबर है, एरर के बराबर है, राउंड ऑफ एरर, इसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, इसको हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है कि हमारे पास एप्सिलॉन की पावर के एक्स एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू है एल वन अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि सम है हमारे पास, सुमिशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, रियल लाइन है, ठीक है। रियल लाइन हमारे पास क्या है, ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और यहाँ से ये हमारे पास जा रही है प्लस वन से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये उन लोगों ने क्या कहा है, ये पूरे का पूरा सम है, ठीक है। एल वन क्या है, मतलब L1 जो है वो हमारे पास क्या है, L1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड L2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पूरी रियल लाइन को ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लैम्डा की पावर k इंटू L1 कोमा L2 इंटू e की पावर 2 पाई ओमेगा ओवर L इंटू L1 x प्लस L2 x, ये हमारे पास इसका क्या है, पूरे का पूरा फॉर्मूला है कि इसको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमारे पास है, ये उन लोगों ने इसकी थोड़ी सी कंप्यूटेशन की है, ठीक है, कि लैम्डा की पावर के एल वन एल टू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसका उन लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रल ले लिया है ज़ीरो से लेके एल तक, डबल इंटीग्रल ले लिया, ठीक है, डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट से, और ओमेगा एक नया फंक्शन शो करवा दिया, ठीक है, ओमेगा को शो करवाया है यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस वन के, यानी कि ये आयोटा की जगह पे है, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के, तो ये आयोटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, ओमेगा है, ठीक है। और एल हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ द फंक्शन है, ये हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास राउंड ऑफ एरर है ना वो ये है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, जस्ट आप लोगों ने इसी को अच्छे तरीके से याद करना है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास स्टेबल कब होती है, जब उसका मोड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू वन किया जाए, और ये हमारे पास क्या है, एक सफिशिएंट कंडीशन है, बस यही आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।